नमस्कार दोस्तों, तो मैं अपूर्वा गुप्ता आज आप लोगों को एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है भूख के मजार की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। तड़प रहा जब देश आज एक महामारी के आंगन में, छोड़कर फूलों की वाहें जो अड़े हुए हैं प्रांगण में, रखकर जान हथेली पर जो तरस रहे खुशहाली को, थूक कर उनके मुंह पर तुम जो ले रहे शाबाशी हो, उन देश के गद्दारों को एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ, भूख के मजार की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। रईसी में बैठे तुम घर में इंटरनेट को रोते हो, वो कुटिया का तम हरने को एक दीप जलाने डरता है, पिज्जा बर्गर खाने तुम मनमानियां करते हो, वो सूखी रोटी खा खा कर भविष्य को संजोता है, जो भरभर थैली तुम अपनी फिर छप्पन भोग को रोते हो, वो गुल्लक तोड़ तोड़ अपनी बच्चों को बिस्किट देता है, जो तड़प रहे मैं खाने को उनको आईना दिखाना चाहती हूँ, भूख के मजार की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। मन की खुशहाली को तुम जब डालगोना कॉफी करते हो, वो चाय पत्ती लाने में भी आनाकानी करता है, 24 घंटे एसी में तुम चैन की नींदें सोते हो, वो पंखे की हवा में भी सर्दी खांसी को डरता है, तुम थोड़े से भी घाटे में जिनकी रोटी छीनते हो, वो आत्महत्या की सैया पर एक चू तक भीना करता है, तुम फोटो खींच खींच कर जिनके हाथों पर रोटी रखते हो, उन इज्जतदार लोगों की कहानी सुनाना चाहती हूँ, भूख के मजार की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू।